हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मसालेदार आलू गोभी की ड्राई सब्जी। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है। आप इसे रोटी, फुलका, तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार लगती है खाने में। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा कढ़ाई गर्म हो जाएगा, मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब कभी भी आप सरसों तेल में कुकिंग करते हो तो सरसों तेल को हाई फ्लेम पे पहले इसे गर्म कर लो, उसके बाद आप इसका फ्लेम लो करके बाकी की कुकिंग कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फूल गोभी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप फूल गोभी। तो इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसे मैंने ड्राई कर लिया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम हल्का ब्राउन क्रस्ट आने तक इसे कुक करेंगे। तो ये देखिए इसमें ब्राउन क्रस्ट आ गया है और अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो एक से सॉइल इस तरह से ड्रेन कर ले और इसे आप एक प्लेट पर निकाल ले। अब मैं सेम तेल में आलू को भी फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को छील कर अच्छी तरह से धोकर ले लिया है। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इस पे थोड़ा सा ब्राउन क्रस्ट ना आ जाए। तो ये देखिए इसमें ब्राउन क्रस्ट आ गया है और अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो एक्सेस ऑयल ड्रेन करें और इसे आप एक प्लेट पर इस तरह से निकाल लें। तो ये देखिए आलू गोभी फ्राई होकर रेडी है। और अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, यानी कि मसालों को भुनने की ओर। तो यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई लिया हुआ है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च। इसे हम भून लेंगे। जीरा का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, हम उसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ और 1 चम्मच अदरक वो भी बारीक कटा हुआ। मिक्स कर लेंगे इसे हम अच्छी तरह से। इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक इसका कच्चापन चला ना जाए। के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, मीडियम साइज का टमाटर है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट और पल्पी ना हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करते ही हमारा टमाटर जो है वो जल्दी कुक हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा टमाटर जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और पल्पी हो गया है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाकी के मसाले, यानी कि सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच मिर्चा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला जो है वो भूनकर तैयार है। इसमें ऐड कर दूंगी 2 हरी मिर्च इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में कटी हुई। मिक्स कर लेंगे इसे हम अच्छी तरह से। जैसे ही मिर्च जो है हमारे मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये फ्राई किए हुए आलू और गोभी। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो है हमारे आलू और गोभी में अच्छी तरह से कॉम्बाइन हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो ये देखिए आलू और गोभी मसालों में अच्छी तरह से कोट हो गई है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। तो नमक यहाँ पर आप संभाल कर ही डालें क्योंकि टमाटर को फ्राई करते समय भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, इसीलिए नमक आप ध्यान से ही डालें। मिक्स कर लेंगे हम इसे अच्छी तरह से। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप पानी, यानी कि थोड़ा सा पानी का ही जरूरत है। ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये सूखी सब्जी है, तो इसमें पानी हम कम ही इस्तेमाल करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर कुक करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। जैसे ही 5 मिनट हो जाएगा हम इसे खोलकर देखेंगे। तो ये देखिए हमारा जो पानी है वो पूरी तरह से इवेपोरेट हो गया है, यानी कि पानी जो है वो अच्छी तरह से सूख गया है। और हमारा जो आलू गोभी है वो बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार है। और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में गार्निश के लिए हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। खूब सारा धनिया पत्ता डाल दें और इसे मिक्स कर लें। हमारा आलू गोभी मसाला बनकर तैयार है। लग रहा है ना कलरफुल और टेम्पटिंग? ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो आज रात आप इसे जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।